मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए एकदम लगन से जुटे होंगे और अपने लक्ष्य को बिल्कुल सामने रखकर ही पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी विश्वास और आशा के साथ पीताम्बरा एजुकेशन चैनल आपके लिए लाता है चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला। और चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। इससे पहले कि प्रश्नों की तरफ बढ़ें, आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, जो जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किए वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और अपने भाई बहनों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, एक मिनट। पहला प्रश्न है, मासलो का प्रेरणा का पदानुक्रम के अनुसार डैश और पूर्ति की आवश्यकताएँ हैं। आपके सामने ये रहे ऑप्शन, आत्मविश्लेषण, दूसरा है क्रियात्मक आवश्यकता, तीसरा है विश्वास और प्यार की आवश्यकता, चौथा है बड़ी इच्छाएं। आंसर क्या होना चाहिए इसका, हम के अनुसार आंसर बताइए। जी बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, जिनका भी पहला आंसर आ रहा है आत्मविश्लेषण, ये एकदम सही आंसर है आत्मविश्लेषण, ये आंसर आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष, आपके सामने क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है। देखिए बायलिंगुअल है, आप दोनों ही लैंग्वेज में समझ सकते हैं, बस कोशिश कीजिए कि आंसर आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। जी फ्रायड के अनुसार आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है। ऑप्शन है, अहम आदर्श, इसे ईगो आइडल भी कहते हैं, परा अहम यानी सुपर ईगो, पहचान यानी आईडी यानी इड भी बोलते इसे, और ईगो यानी अहम भी बोलते इसे। आंसर क्या होना चाहिए इसका। जी बिल्कुल सही है जी भाई, मेरे जो भी भाई बहन, आई डी एन एड एड आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाल अवस्था और आवश्यकता के बीच एक बच्चे के जीवन में कौन सा समय होता है। किशोर अवस्था, रजोदर्शन, मध्य बाल अवस्था या फिर यौवन। आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार बताइए। आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जिनका आ रहा है किशोर अवस्था, एकदम आंसर आपका एकदम परफेक्ट है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, किशोर अवस्था एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अचानक आहा क्षण का वर्णन करने के लिए कौन सा पद दिया गया है जो कभी कभी हमें समस्याओं को हल करने में मदद करता है। फ्लैश बल्ब, अंतर्दृष्टि, अवलोकन या परिणाम, बताइए आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने क्वेश्चनों की चौसर मिसी हुई है, देखते हैं किसके आंसर कितने अच्छे आते हैं, कौन कितनी तैयारी कर रहा है, कौन कितनी पानी में है, अभी पता चल जाएगा। आप अपने क्वेश्चंस को लिखते रहिए, आंसर इसका आ गया, जिनका भाई और बहनों का अंतर्दृष्टि आ रहा है, एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर है, ये सूचक सिद्धांत ही बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए जरा अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षण की क्षमता को निरूपित करने के लिए कौन सा पद दिया गया है जिसे अनुरूपता के मापने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। पहला है मानदंड, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है तर्क, चौथा है वैधता। आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही है भाइयों, इसमें होना चाहिए विश्वसनीयता, इसमें होना चाहिए विश्वसनीयता, ये आपका एकदम सही है आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपके आंसर्स अच्छे आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के साथ जिनके आंसर जितने सही निकले वो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि और लोग भी प्रेरित हो सकें और आपको भी अपनी इसे एनालाइज करने का मौका मिल सके। समावेशी शिक्षा के लाभ हैं, केवल नीति और नीति शास्त्र सिद्धांत विकसित करना, दूसरा केवल संचार और सामाजिक कौशल बढ़ाना, तीसरा केवल विविधता की स्वीकृति और प्रशंसा बढ़ाना, चौथा उपयुक्त सभी। आंसर है उपर्युक्त सभी, एकदम सही आंसर है, उपर्युक्त सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संतानों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह डैश अभिप्रेरणा है एवं मात्र अभिप्रेरणा उपलब्धि या संबंध है, बताइए आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आप आंसर दे रहे हैं, आपको कि वो तैयारी बहुत मस्त चल रही होगी, मात्र अभिप्रेरणा इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के कौन से चरण में प्रतियोगिता भावना विकसित होगी, बताइए आंसर। परिश्रम बनाम अविश्वास, घनिष्ठता बनाम अलगाव, अहम बनाम अखंडता, रिश्त बनाम निराशा,
परिश्रम बनाम हीनता। बिल्कुल सही है, परिश्रम बनाम हीनता जिनका आंसर आ रहा है वो आपका आंसर सही हो जाएगा, परिश्रम बनाम हीनता, ये आपका चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल आप लोग नोट करते रहें और कमेंट जरूर करें आपके कितने आंसर सही हुए हैं, ठीक है ना। शिक्षक द्वारा मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थी यानी लर्नर जो होते हैं, सीखने वाले विद्यार्थी होते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्य नीति का उपयोग नहीं किया जा सकता। छोटे कठिन कार्यों में बड़े कार्य में विभाजित करना, दूसरा है दृश्य एड्स का उपयोग शिक्षार्थी को जानकारी प्रस्तुत करना, तीसरा समूह गतिविधियों में शिक्षार्थी को शामिल करना, चौथा शिक्षार्थी को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। क्या आंसर होना चाहिए नौ नंबर का? सही है, छोटे कठिन कार्यों में बड़े कार्य में विभाजित करना, यह आंसर एकदम सही हो जाएगा, यह आंसर एकदम सही हो जाएगा, ये आंसर एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अच्छाई और सबलता के अनुसार छात्रों को किस श्रेणी में आउटबाउंड गतिविधियों में संलग्न होने की अधिक संभावना है। सामाजिक, फैंटम, सफलता निर्भर, बताइए जी भाई बहनों। बिल्कुल सही सही बताइए आंसर क्या आना चाहिए, सामाजिक को सही है आपका आंसर, ये सामाजिक आंसर इनको भाई बहनों को आ रहा है, एकदम सही है आंसर आपका सामाजिक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, छात्र के सीखने का समर्थन करने के लिए तैयार विशिष्ट शिक्षण रणनीति है, लेखन, इसके फोल्डिंग, पाठ या विचार मंथन। आंसर इसके फोल्डिंग बिल्कुल सही है, इसके फोल्डिंग आंसर एकदम सही आ रहा है, इसके फोल्डिंग आंसर एकदम सही हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा, ये वाला जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा, ये वाला आंसर इसके फोल्डिंग का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या लक्षण करने की मुख्य विधि ऐसे एक नहीं है, लक्ष्य प्राप्त करने, सॉरी मैं गलत पढ़ गया हूँ क्वेश्चन, इसके लिए माफी चाहूँगा। निम्नलिखित में से क्या लक्षण ही है भाई, लक्षण ही लिखा है, लक्षण प्राप्त करने की शुद्धि मुख्य विधि में एक नहीं है, क्या नहीं है बताइए आंसर, प्राकलनात्मक, शाब्दिक, सांख्यिक या सैद्धांतिक। आंसर जिन भाई बहनों का मेरा प्राकलन आ रहा है एकदम सही है, ये आंसर एकदम परफेक्ट है, सही आंसर है, ये मेरी तरफ से नहीं है ना किसी बुक से है, ये आंसर क्वेश्चन पेपर है, पूरा ओरिजिनल पेपर है जो कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया था PEB के द्वारा, वो सारे क्वेश्चंस हैं और जो बोर्ड द्वारा निर्धारित आंसर्स दिए गए थे आंसर की आई थी भाई, आंसर्स आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं है इसमें, ना किसी बुक की हेल्प ली गई है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो मटेरियल दिया गया है वो सारा का सारा PEB के द्वारा प्रदान किया गया है, हम उसी से आपके लिए ये सारी वीडियोज़ तैयार कर रहे हैं ताकि आपको सहूलियत मिल सके आगे आने वाले एग्जाम्स में। क्वेश्चन है आधुनिक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि यदि आपको इस श्रृंखला अच्छी लगती हो तो इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि मेरे पास सारी शिफ्ट के पेपर अवेलेबल हैं, आप अगर कहेंगे तो मैं पूरी शिफ्टों के पेपर लगातार क्रम से इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर देता रहूँगा, आप कहेंगे तो मैं पूरा 150 क्वेश्चंस का भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, हर शिफ्ट के आंसर्स क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हैं, यदि आप चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ज़रूर बताएं अपने कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आधुनिक मूल्यांकन के बारे में लिखने में से कौन सा सही है, योगात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, उत्पाद मूल्यांकन, नहीं उत्पाद उन्मुखीकरण या फिर रटकर सीखना, बताइए आंसर, सतत मूल्यांकन एकदम सही आंसर है, ये सतत मूल्यांकन जो आपका आ रहा है एकदम सही आंसर आ रहा है भाइयों बहनों, सतत मूल्यांकन एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या विकास व्यापक मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम की योजना बनाने और वितरित करने में ध्यान केंद्रित नहीं करता, वित्तीय, व्यक्तिगत, सामाजिक या शैक्षणिकता और कैरियर। 14th का आंसर वो सही है वित्तीय, इसका सही आंसर है वित्तीय, ये आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने बारीकी से प्रच्छन्न दिव्यता के तहत प्राकृतिक विकास की एक व्यापक जटिल अवधारणा को विस्तृत किया,
क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने, बाल्डविन, इरिक्सन, पियाजी, वायगोत्स्की। आंसर क्या है? बाल्टिक एकदम सही है, बाल्डविन, सॉरी बाल्डविन आंसर एकदम सही है, पहला आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है विचलन, IQ वितरण में मानक विचलन का मान है क्या है भैया? मानक विचलन का मान सही है वो है ये आपका जो आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा, ये आंसर एकदम सही है सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन है, अपने आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं आपके आंसर्स कितने सही हुए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अच्छे से पढ़िए, मेहनत लगा करके पढ़िए और आपके जितनी ज़्यादा यहाँ से व्यवस्था हो जाएगी क्वेश्चनों की, बोर्ड के द्वारा जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे अवेलेबल करवा दूंगा। बस आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर बता दीजिए मुझे कमेंट करके कि इसके ऊपर श्रृंखला बनाना चाहिए, पूरी वीडियोस बनाना चाहिए सारे शिफ्ट के, या आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, जिस परिवेश में बच्चे बड़े होते हैं वह डेस करता है कि वह कैसे सीखता है, सोचता है और वह क्या सीखता है, ये सारी चीज़ें क्या है? व्यवस्थित, कमज़ोर, परेशान, डराना या प्रभावित? 17 नंबर का प्रभावित तो सही है, इसका आंसर होगा प्रभावित, सही इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, लिंग विभाजन को के रूप में परिभाषित किया गया है, पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच विभाजन, पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर, पुरुष से महिलाओं का अनुपात, या समाज के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं को पदानुक्रम भूमिकाएं? बताइए आंसर क्या होना चाहिए। 18th का आंसर, जी बिल्कुल 18th का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है समाज के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं को पदानुक्रम भूमिकाएं, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा, ये है 4th वाला आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निगमन विधि द्वारा शिक्षण क्या है? मैक्रो और माइक्रो तक, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, आसान से कठिन। 19th नंबर, जी बिल्कुल सही है, सामान्य से विशिष्ट तक, सामान्य से विशिष्ट तक आंसर एकदम सही है, सामान्य से विशिष्ट एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं, एक मिनट पूरा क्वेश्चन देखा, हाँ पूरा ही क्वेश्चन है। ऐसे विद्यार्थी जो डेस होते हैं वो नई अवधारणाओं को सीखना नहीं चाहते, संदिग्धार्थक, बुद्धिग्राह, बेहतर, लोकप्रिय, क्या है आंसर? आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है संदिग्धार्थक, इसका करेक्ट आंसर होगा संदिग्धार्थक, ये वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए क्वेश्चन है, कुछ रोग और विकार वंशानुगत होते हैं, दूसरा है समृद्ध वातावरण बच्चे के विकास को बढ़ाता है, तीसरा है उचित उपाय करके सभी आनुवंशिक विकास को रोका जा सकता है, चौथा है बच्चे खेल के माध्यम से अधिक परिमित कौशल सीखने में सक्षम है। बताइए आंसर क्या होना चाहिए। जी उचित उपाय करके आनुवंशिक विकारों को रोका जा सकता है, ये आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना? जी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा ना? जी बिल्कुल सही है, उचित उपाय करके, उचित उपाय करके, ये तीसरा वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन देखिए क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का लक्ष्य क्या है? संक्रियात्मक विचार, अमूर्त अवधारणा, वस्तु स्थिरता, प्रतीकात्मक विचार, तो ये हो जाएगा संक्रियात्मक विचार, क्या हो जाएगा इसका आंसर? संक्रियात्मक विचार, सही है सर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकी कंडीशन से संबंधित अवधारणा नहीं है? तटस्थ उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, निरूपण या उद्दीपन सामान्यीकरण? आंसर क्या होना चाहिए भाई?
बिल्कुल सही है, निरूपण यानी शेप, निरूपण यानी होता है आपका शेपिंग। ये आंसर एकदम सही हो जाएगा। यदि वीडियो में क्वालिटी कुछ कम हो या आवाज़ सही नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, आगे से मैं अपना माइक चेंज करके फिर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जी, क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है यह कथन डैश के सिद्धांत को संदर्भित करता है। किसकी डैश किसको संदर्भित करता है ये बताइए। जी बिल्कुल बताइए। हाँ जी, हाँ जी, आ गया, व्यक्तिगत भिन्नता को। बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, व्यक्तिगत भिन्नता इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश के निर्माण में बच्चे द्वारा एक साथ समान विशेषताओं को मिलाकर बनाया जाता है। 25 का आंसर, 25 का आंसर अवधारणा, एकदम सही आंसर अवधारणा, इसका सही आंसर है अवधारणा, यह अवधारणा एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक दृष्टिकोण में किस पर ध्यान केंद्रित करने से बच्चे व्यक्तिगत तार्किक और अभ्यास की अच्छी समझ हासिल करते हैं। लेखन कला, वैज्ञानिक विचार, संचार या विद्यार्थी प्रवृत्ति। आंसर क्या होगा आपका, विद्यार्थी प्रवृत्ति या ना? बिल्कुल सही आ गया आंसर, वैज्ञानिक विचार एकदम सही है, जिनका वैज्ञानिक विचार आ रहा है एकदम सही आंसर हो जाएगा। ये वाला सेकंड वाला आंसर एकदम सही है मेरे भाई, एकदम सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षण दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में एक नया डैश है क्या? मांग, उपागम यानी दृष्टिकोण, निर्देश यानी दिशा या प्रक्रिया, बताइए आंसर क्या होना चाहिए भाई। जी उपागम एकदम सही आंसर है इसका, उपागम बहुत बढ़िया है, उपागम इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम डैश तत्परता की उपेक्षा डैश के तौर पर परिणाम देती है। विकास, परिपक्वता, सुधार या निराशा। 28 निराशा एकदम सही आंसर इसका, निराशा एकदम सही आंसर है, निराशा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन उसकी डैश भूमिका को दर्शाता है। कक्षा शोधार्थी, विचारशील व्यक्ति का, सह शिक्षार्थी या प्रशिक्षक, आंसर क्या होगा? विचारशील वृत्ति, ये आंसर इसका सही हो जाएगा, एकदम सही है आंसर, एकदम सही है सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन है, लास्ट ही है ये क्वेश्चन आपके लिए। जी, डिसलेक्सिया शब्द किसे निरूपित करता है? नोट्स लेने की तकलीफ, सीखने की कठिनाई, पढ़ने लिखने में बढ़तनी समस्या पैदा कर सकती है, संख्या संस्करण और गणना के साथ सीखने में कठिनाई, या फिर विशिष्ट लिखावट या दिव्यांगता, बताइए आंसर क्या होना है 30 का। जी 30 का आ रहा है आपका आंसर, एकदम सही है, सीखने में कठिनाई और पढ़ने लिखने की जो होती है कठिनाई होती है इसमें, बढ़तनी समस्या पैदा हो सकती है इसमें, इसलिए आंसर आंसर जो है ये सेकंड वाला एकदम सही आंसर है, ये वाला एकदम आपका आंसर सही है। भाई बहनों आज के लिए इतना ही, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें, और आप जैसे कई सारे मेरे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन सबके साथ, अपने मित्र दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।